सो गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और ये हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है। तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैं सर्वाइवल सीरीज लाऊं और फाइनली फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ मैं कुछ तुम लोग को हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। सो अभी मैं वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ और आते ही मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेता हूँ, वर्ल्ड अपडेट ऑन कर लेता हूँ बिकॉज हम लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम लोग वर्ल्ड का नाम सर्वाइवल सीरीज रख देते हैं। सो मैंने वर्ल्ड का नाम रख दिया है। ओके सो अभी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। सो वर्ल्ड लोड हो रहा है, बस ये किसी अच्छी जगह पे स्पॉन कर दे। ओके सो इन्होंने सवाना बाया में स्पॉन कर दिया है। बेक से टूल बना लेता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। क्राफ्टिंग टेबल पिकैक्स बना लेता हूँ, उसके बाद में स्टोन माइनिंग करने वाला हूँ ताकि मैं उससे टूल बनाऊँ बिकॉज वुड के टूल बना के कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी टूट जाते हैं। सो चलो एक विलेज ढूंढते हैं, क्या पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है विलेज ढूंढने में, लेट्स गो। साथ में मैं कुछ शीप्स को भी मार लेता हूँ, पता नहीं मेरे को विलेज मिलेगा कि नहीं, तो बेड तो बना ही लेंगे। सो गाइस हमें फाइनली विलेज मिल चुका है और ये सवाना विलेज है। सो देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप के विलेजर्स हैं। सो गाइस विलेज देख के तो सबसे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे लेदर वर्कर है और कुछ फार्मर्स है बिकॉज यहाँ पे खाने की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत खाना ले लेता हूँ और कुछ सीड्स ले लेता हूँ बिकॉज मैं एक फार्म बनाने वाला हूँ ताकि मेरे को बिल्कुल भी खाने की कमी ना हो, अनलिमिटेड फूड हो मेरे पास। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे एक आयरन कॉलम फंसा हुआ है, मैं हेबेल तोड़ रहा था तो मिल चुका है, इसको मार देते हैं ताकि मैं थोड़े बहुत आयरन इकट्ठा कर लूँ। ओके सो मैंने आयरन भी ले लिया, रात हो चुकी है चल के सो जाते हैं, मैं अपने पहले दिन पे मरना नहीं चाहता, लेट्स गो। सो मैं सो के उठ चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पे सारा जितना भी हेबेल है वो सारा ले लेने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा तगड़ी लूट तो नहीं मिली, चलो इस घर के अंदर देखते हैं क्या है। ओके सो इस घर के अंदर मेरे को कुछ काम का चीज़ मिला है, जैसे कि ये सैडल होगी, चलो कुछ तो मिला ढंग का। अब वो लास्ट रूम बच रहा है, चलो वहाँ पे देखते हैं क्या मिलने वाला है, बस काम का मिल जाए। भाई वो घर कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, मतलब भाई उस घर का विलेजर कह रहा होगा मुझे तो इनके साथ रहना ही नहीं है, चलो देखते हैं क्या मिलते हैं वहाँ पे। सो चेस्ट ओपन करिए। सो यहाँ पे कुछ काम की चीज़ मिली है, कुछ शीट्स हैं और ये है वाटर बकेट, यूज़फुल है वैसे बिकॉज मेरे 3 इंगेट वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, चलो बढ़िया ही है। सो मैं जाने से पहले एक और काम करने वाला हूँ, एक बेड बनाता हूँ और अपने बेड से इस बेड को रिप्लेस कर देता हूँ, मैंने रिप्लेस भी कर दिया बिकॉज ये बेड ज़्यादा अच्छा है और मैं नहीं चाहता किसी का घर ख़राब हो, सो मैंने रख दिया। देखो गाइस मैं सबकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, तो इसी बात पर लाइक ठोको। तो चलो कुछ तरीका है भीख मांगने का, सामान खाते हैं, तो चेस्ट भी ले लेता हूँ, मेरी काम आ जाएगी, लेट्स गो। वैसे भी विलेजर लोग कुछ रखते तो है नहीं काम का इसमें। सो मेरे को जो भी इस विलेज से लेना था मैंने ले लिया, मेरे को ज़्यादा लूट मिली नहीं यहाँ से, चलो कहीं और चलते हैं, कोई ढंग की जगह ढूंढते हैं। मेरे को सवाना बैरन बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज यहाँ का डर का कलर अलग होता है। तुम लोग बताना तुम लोग को कौन सी बायोम पसंद है, तो मैं जा रहा हूँ किसी दूसरी बायोम में कोई अच्छी जगह ढूंढने घर बनाने के लिए। वैसे मैं यहाँ पे वापस आऊँगा विलेजर्स को लेने कुछ फार्म वार्म बनाने के लिए, सो मैंने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। सो मैं इधर उधर देखता हूँ कुछ काम की चीज़ मिल रहा है। ओके सो एक और विलेज मिल चुका है हम लोगों को, वैसे हम लोग यहाँ पे भी घर बना सकते हैं। यहाँ पे कोई टूल्स में थे क्या? ओके यहाँ पे दो दो टूल्स में थे, लेट्स गो इनको लूट लेते हैं सबसे पहले। सो पहला घर देखते हैं क्या मिलता है। ओके ब्रेड मिली, स्वॉर्ड मिला, चेस्ट प्लेट मिली, कुछ एप्पल्स हैं और आर्मर है, ठीक ही ठाक है, डायमंड मिल जाता तो हेल्प हो जाती। चलो दूसरा घर देखते हैं, यहाँ पे 3 डायमंड है, 4 ऑब्सीडियन है, गोल्ड है, अच्छी लूट है। वैसे मैं आर्मर पहन लेता हूँ, थोड़ी इन्वेंट्री खाली हो जाएगी, देर वी गो। ओके अभी के लिए मैं इस मैसन के घर में रह रहा हूँ, मैं डायमंड के कुछ टूल्स नहीं बनाने वाला, मैं इसे एक इंचेंटिंग टेबल बनाऊंगा ताकि मैं बाकी टूल्स को इंचेंट कर सकूं। सो चलो बिकॉज वो ज़्यादा यूज़फुल होगा टूल्स बनाने के मुकाबले। सो मैंने संभाल के रख दिया है, अब मैं शुगर केन ढूंढने जा रहा हूँ बिकॉज शुगर केन से मैं पेपर बनाऊंगा और पेपर से बुक बनेगी और बुक से एंचेंटमेंट टेबल, तो चलो पहले शुगर केन ढूंढते हैं।
मैं लिटरली इतना ढूंढ लिया, मेरे को अभी तक कोई भी शुगर केन नहीं मिली। इस विलेज के आसपास कहीं शुगर ही पेन ही नहीं है। चलो इधर उधर ढूंढते हैं, थोड़ा दूर चल के क्या पता मिल जाए। ओके सो फाइनली शुगर केन मिल गया, वो भी एक आइलैंड पे एक ही शुगर केन है। चलो ले लेते हैं, वैसे इसको डबल कर लेंगे। भाई मेरे को लिटरली अपने प्रीवियस विलेज पे वापस आना पड़ा। कोई नहीं, चलो इसको डबल कर देते हैं। सो मैं इसको इस ट्रिक से अपनाऊँगा, बीच में छेद कर दो, चारों तरफ उगा दो, लेट्स गो। मैं सोच रहा हूँ इसका भी एक फार्म बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो शुगर केन तो उगते रहेंगे, बट तुम लोग मेरे को कुछ वीडियो के लिंक कमेंट में दे सकते हो घर बनाने के लिए, बिकॉज मेरे को भी अभी छोटा सा क्यूट सा घर बनाना है। और अगले वीडियो में मैं एक फार्म बनाने वाला हूँ हमारे खाने के लिए, वीट फार्म बनाऊँगा। सो हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा बनाऊँ, कोशिश करूँगा ज़्यादा बड़े बनाने की, लेकिन जो भी बनाऊँगा ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ इस वर्ल्ड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन न्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।